तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। मैग्नेटाइजेशन दैट इज़ एक सॉलिड के केस में, आपका एक मेटल हो या फिर आपका एक मैग्नेट हो, उसके केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हमने क्या बोला था, मैग्नेटाइजेशन। यूनिट क्या आया था हमारे पास इसका, एम्पेयर पर मीटर आया था। अब हम देखने वाले कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे सॉलिड के केस में, जैसे मेटल हो या फिर आपका क्या बोलेंगे मैग्नेट हो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज़ कर रहे थे, इसको यूज़ कर रहे थे। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी दो तरीका है, एक तो जो नेचुरल मैग्नेट हमें अवेलेबल होता है या फिर परमानेंट मैग्नेट जो हमें अवेलेबल होता है, मैग्नेट वगैरह, बार मैग्नेट, फिर हॉर्सशू मैग्नेट, वो अवेलेबल होता है। दूसरा, हम करंट फ्लो करवा के भी मैग्नेट बना सकते हैं। तो जब हम करंट फ्लो करवा के मैग्नेट बनाते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। ये बातें क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमसे कुछ चीज़ें आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता क्या है। ये बातें क्लियर है? तो आपको याद है बायोट सावर्ट लॉ, जब हमने पढ़ा था हमने क्या बताया था कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनेगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, IDL करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल है। अभी DL एक करंट एलिमेंट है, अगर हम इसको छोड़ दे कि ये DL एक करंट एलिमेंट है, इसको छोड़ देते, इग्नोर करते, पूरा लेंथ को मान लेते, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं तो इसी इसी एरिया की बात कर रहे हैं, तो इस केस में क्या है, लेंथ तो भाई हमेशा कांस्टेंट। अगर मैं इस पेन का बात कर रहा हूँ तो पेन में मतलब एक कंडक्टर का पीस होता तो इस पेन इस पीस का लेंथ हमेशा कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं। इंपॉर्टेंट बात, क्या इस मैं इसमें से करंट फ्लो को बढ़ा सकता हूँ? हाँ बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने देखा था कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके सराउंडिंग में बनता है, अगर मैं इस लेंथ को कॉन्स्टेंट मान लूँ, 1 मीटर को कॉन्स्टेंट मान लूँ, तो डायरेक्टली किस पर प्रोपोर्शनल है, करंट पर प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के थ्रू बनता है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वही जगह आप एक सोलिनॉइड लेते हो जिसमें कुछ टर्न्स हैं, इसमें बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं, बहुत सारे टर्न्स, दैट इज़ हमने मतलब मान लेते हैं कि इसमें कुछ, देखो बेसिकली मैंने क्या बताया था कि जब भी हम इसमें से टर्न्स ढूंढते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हैं वो ढूंढ लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके लेंथ के साथ। ये बात है क्लियर? इसके लेंथ के साथ 1 सेंटीमीटर में मुझे पता चला कि कुछ 10 टर्न्स हैं, ठीक है, 10 टर्न्स कितने हैं 1 सेंटीमीटर में, तो पूरे में कितने टर्न्स हो जाएंगे, दैट इज़ पूरे में कितना टर्न होगा, अगर ये लेंथ 10 सेंटीमीटर का, अच्छा लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर का है और 1 सेंटीमीटर में अगर 10 टर्न्स है, पूरा सॉलिनॉइड का लेंथ 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 टर्न्स, तो पूरे में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में 10 × 100 कर देंगे, दैट इज़ कितना आ जाएगा, 1000 टर्न्स आएगा। ये होता है पूरा एन, ठीक है, ये होता है आपका पूरा एन। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये जो क्या था मैंने जो निकाला पर यूनिट में, इंटू एल क्या है इसका टोटल लेंथ, तो यहाँ से एन इज इक्वल टू कैपिटल एन, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन एल, ये होता है पर यूनिट लेंथ। तो बेसिकली हम पर यूनिट लेंथ पे फोकस करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड होता है उससे, है ना, क्योंकि वो लैब में करने के लिए आसान होता है। अब देखो वही हिसाब से अगर मैं बोलूँ, मेरे पे एक सॉलिनॉइड है जिसका पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मैंने इसका पर यूनिट लेंथ को लिया यहाँ पे, डन, ये पर यूनिट लेंथ है, पूरा नहीं है बस पर यूनिट लेंथ है, इसके थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, इसके थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, ऑब्वियसली आप बताओगे सिंपल सा एक फॉर्मूला, अगर है सॉलिनॉइड के केस में तो आप बोलोगे हाँ इन नंबर ऑफ टर्न है, इन नंबर 10 टर्न है, 10 टर्न कितना बना रहा होगा, आई अमाउंट ऑफ करंट, तो ए कुछ होगा एन आई, इसी के बराबर करेगा। एनी वो हमने पढ़ा भी था इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, दैट इज़ बी इज इगल टू म्यू नॉट एन आई आया था ना, ये जो एन आई है ना यही है इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्योंकि म्यू नॉट क्या है, ये तो एटमोसफियर का या फिर सराउंडिंग का कॉन्स्टेंट है, एन आई क्या है, ये वेरिएबल टर्म्स है। आप चाहे तो ज़्यादा इस, ये जो यहाँ पे 10 टर्न्स है ना 1 सेंटीमीटर में, आप चाहे तो उसको 20 टर्न्स कर दो, ये बातें क्लियर है, करंट को आप बढ़ा दो, ये बातें क्लियर है। तो यही होता है आपका बेसिकली मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इसको लिखते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ किस किस का, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। इसीलिए मैंने बोला था ध्यान से सुनो क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत ही एढ़ा टेढ़ा है, इसका कहानी है, पूरा कहानी, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट, ये बातें क्लियर है। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम H से लिखते हैं, ये बातें क्लियर है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम H से लिखेंगे, किसके बराबर होगा, सॉरी स्मॉल n I के बराबर होगा, ये बातें क्लियर है, ये होता है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये बातें क्लियर है। अब आप पूछोगे स्केलर है कि वेक्टर है,
बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली बनेगा वो वेक्टर होगा ना, यहाँ पे म्यू नॉट आई, एनी हाउ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी था, तो ए भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ए भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वो सब बातचीत हम करेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, तो एच इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ टर्न्स, कोई यूनिट नहीं है, इंटू आई का, यहाँ पे आई, आई का यूनिट एम्पेयर। डन, इनको अगर तुम थोड़ा गहराई में देखो तो ये क्या है, कैपिटल एन अपॉन एल है, तो यहाँ पे लिखते हैं, इस एन को अगर मैं कैपिटल एन अपॉन एल लिख दूँ और यहाँ पे करंट के यूनिट एम्पेयर रखूँ, ए वाला एन का अगेन कोई यूनिट नहीं, बट इस लेंथ का तो यूनिट है, दैट इज मीटर, एम्पेयर पर मीटर। इसका भी यूनिट, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का भी यूनिट आपका एम्पेयर पर मीटर है, और मैग्नेटाइजेशन जो हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, मैग्नेटाइजेशन दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसका भी यूनिट क्या आया था आपके पास, एम्पेयर पर मीटर आया था। ठीक, तो इसका भी यूनिट क्या है आपका, यूनिट क्या है इसका भी, एम्पेयर पर मीटर, मतलब दोनों एक ही, दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बट एक सॉलिड के केस में बात कर रहे हैं और एक आपका करंट कैरिंग कॉयल के जैसा बात कर रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो देखो, उसी मोमेंट में, अभी देखो, इसके अंदर में हमने ये भी देखा था कि जो अगर एक कंडक्टर की बात करते तो इसका सरफेस में यहाँ पे मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही बाहर जाता है ड्रॉप लेता है, ये बातें क्लियर है? और सॉलिनॉइड के केस में जैसे ही ये यहाँ पे बाहर जाएगा, जैसे ही इस कॉयल में से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगा, ये ड्रॉप लेगा, कितना ड्रॉप लेगा, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स ड्रॉप करेगा, ये बातें क्लियर है? म्यू नॉट टाइम ड्रॉप करने वाला है, इसीलिए फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई भी आया था। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? डन, सो ऑल्सो वी नो, देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहाँ तक खत्म हो चुका है, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट कर रहा हूँ। ऑल्सो वी नो कि जो अपना मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ, ऑल्सो वी नो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे सॉलिनॉइड से आपको केस लेना है, ठीक है, फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड, यहाँ पे बना देते, चलो ये हमारे पास एक सॉलिनॉइड है, इसमें से कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना होगा, एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, आई कैपिटल आई करते हैं, डन है, ये होता है इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ऑल्सो वी नो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड इज, सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हमने लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर में निकाला था, कितना था, म्यू नॉट एन आई। अभी एन आई क्या है, असल में मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू जैसा बिहेव करेगा अभी, ये बातें क्लियर है, तो म्यू नॉट एच लिखते हैं इसको, ये बातें क्लियर है, यह भी एक वेक्टर। डन, अब देखो हमें एक स्पेशल केस स्टडी करना है, स्पेशल केस, डन, यहाँ पे केस स्टडी करना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पे एक मटेरियल था, मैग्नेट था, कुछ भी था, डन, मटेरियल था, मैग्नेट था, कुछ भी था, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ था, याद करो कितना हुआ था इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन, म्यू नॉट, एक मिनट, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ही ये मैग्नेटाइजेशन, देखो ये इसके अंदर इतना ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड बना था, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा तो ये कुछ, ये जो मैग्नेटाइजेशन है, मैंने बताया था मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जैसे ही ये वाला इस मटेरियल के अंदर में तो इतना है, जैसे ही बाहर आएगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो क्या होगा, इसमें से रिड्यूस्ड हो जाएगा, ये जो ओरिजिनल वैल्यू है, अगर ये ओरिजिनल 10 टेस्ला होता, बहुत ज़्यादा है, 10 टेस्ला होता, तो बाहर आने बाद रिड्यूस होगा, कितना रिड्यूस होगा, म्यू नॉट टाइम से रिड्यूस हो जाएगा, ये बातें क्लियर है? तो ये वाला मटेरियल आपका जो मैग्नेट बाहर में इतना बना रहा है, म्यू नॉट एम, ये बातें क्लियर है? सपोज अगर मैं इसको एक सॉलिनॉइड के अंदर प्लेस कर दूँ, मैं अगर इस चीज़ को एक सॉलिनॉइड के अंदर प्लेस कर दूँ जिसमें से करंट आई प्रोड्यूस, करंट आई फ्लो हो रहा है, अब सॉलिनॉइड के अंदर में ही मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड ए वाला बना रहा था, सॉलिनॉइड कितना खुद से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जैसे जब करंट फ्लो होगा, तो आप बोलोगे कि सॉलिनॉइड कितना बनाएगा, आप बोलोगे भैया ये तो म्यू नॉट एन आई बनाएगा, मैं बोलूँगा ठीक है, ठीक है, इसको बी नॉट लिख देते, ठीक है, ड्यू टू सॉलिनॉइड, सिंपल वाला, दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो आप बोलोगे एन आई क्या है, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो इन दिस केस क्या है, व्हेन आ मटेरियल विथ मैग्नेटाइजेशन
मटेरियल विथ मैग्नेटाइजेशन एम इज प्लेस्ड इन अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड. जब हम एक मटेरियल को प्लेस करते करंट कैरिंग सोलिनॉइड, देन नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, एक क्या मटेरियल बनाता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, और एक क्या एक करंट कैरिंग कंडक्टर बनाता है दैट इज सोलिनॉइड बनाता है दैट इज बी नॉट हमने लिया था. तो बी नेट अपना कितना होगा, बी ड्यू टू मटेरियल अंदर में एम बनाया था मैग्नेटाइजेशन, जैसे ही बाहर आ जाएगा रिड्यूस होगा किस फैक्टर में, म्यू नॉट में, दैट इज म्यू नॉट एम. खाली मैग्नेटिक देखो डायरेक्शन तो ओवरऑल सबका सेम ही आने वाला है, स्ट्रॉन्ग वाले का डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, डन, ये बातें क्लियर है. प्लस बी नॉट कितना होता है वैसे, म्यू नॉट इंटू एच, ये बातें क्लियर. सो बी नॉट बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे एम प्लस एच भी लिख सकते हैं. ये होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर में, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिसका स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रहेगा. अगर तुम्हारे इस मटेरियल का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस करंट का कम है तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो इस तरफ हो जाएगा, डन है, ये बातें क्लियर है. और अगर इसका स्ट्रॉन्ग है, ये मतलब सोलेनोइड का स्ट्रॉन्ग है, मटेरियल का कम है तो इस तरफ आ जाएगा, मतलब जिसके डायरेक्शन मतलब जिसका स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा है. फोर्सेस देखे हो ना, ए में 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ, ए में 5 न्यूटन है, तो कैसे 5 न्यूटन से यहाँ मूव होगा, तो सेम यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज आपका मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वेक्टर सम करेंगे यहाँ पे, ये बातें क्लियर है. तो ये कुछ इसका रिलेशन है. आई होप आपको ये वीडियो बहुत बड़ी से समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जो है ससेप्टिबिलिटी. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.